मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है, थोड़ा धूप भी है लेकिन साथ में बादलें भी छाए हुए हैं, थोड़ा सा ठंड का भी अच्छा जैसे एक अच्छा सा मौसम हो रखा है। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो अब देखते हैं ऊपर जाके क्या देखने को मिलता है। लेकिन मित्रों, आप जब भी सिंगापुर में आएँ तो ये बुद्धा अम्यूजमेंट पार्क, और इसको टाइगर बाम पार्क गार्डन भी कहते हैं, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। हाँ, ये लिखा है गॉड्स ऑफ हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्गेविटी, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। द गॉड इज लॉन्गेविटी एंड सो इज सिग्निफिकेंट ऑफ चाइनीज कल्चर एज लॉन्ग एज लाइफ इज अ क्लोजली लिंक टू द वन ऑफ द गॉड फॉर्चून एंड सो इज ऑफन एज द ओल्ड मैन एंड विद द ब्लड हेड एंड कैरिंग अ वुडन। सो ये आप, अब मैं थोड़ा सा ऊपर को चढ़ता हूँ, फिर वही कुछ न कुछ, ये देखिए ये चाइनीज में लिखा हुआ, ये घंटी यहाँ पे, ये देखो, ये आप विश्व में कहीं पे जाएं, हिंदू धर्म में या बुद्धिस्ट में या जैनियों में, एक एक घंटाल घंटाल का एक बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो जो घंटी की जो ध्वनि है, ये ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो मैं इसको बजाता हूँ, आप देखिए, देखो ये ओ से शुरू होता है और अंत होता है, तो मैं इसका उच्चारण भी कर सकता हूँ आपके साथ। तो मित्रों, आगे चलते हैं, आगे और क्या देखने को मिलता है। हाँ, ऊपर जाके कुछ और है, लेकिन आज मंगलवार है तो लोग ऑफिसों में हैं, काम पे हैं, अपने अपने काम पे हैं, तो आज इधर बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी इन्होंने कर रखी है, और प्रकृति को दर्शाया गया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा ऊपर को चढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ फिर। हाँ, यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो स्त्री है, ये कुछ किताबें हैं और किताबों को किसी को दे रहे हैं या यहाँ पे रख रहे हैं।
तो ये बड़ा अद्भुत दृश्य है इधर। तो वैसे तो मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह पे, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय की कमी के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ तो हो रहा है। ये एक स्त्री और एक पुरुष, एक पुरुष को नीचे लेटा के उसके गला दबा रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ संकेत तो देता है। मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा। इधर भी आप देखिए, इधर भी ये देखो कुछ संकेत दे रहे हैं।